नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री व डिप्लोमा में अंतर पर। मैं डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री से संबंधित है मैंने फुल डिटेल पर वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक दी गई है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इनके प्रकार उदाहरण जैसे डिग्री का बी ए, बी एस सी आदि, डिप्लोमा के पी जी, डी सी ए, डी सी ए, डी एल एड, सर्टिफिकेट जैसे गेस्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार की जो वीडियो, इस प्रकार की जो जानकारी पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ हर माह की तारीख 11/26 को। यदि आप इस जानकारी, इस तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तब इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुँच सके। तो आज के हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या है। तो डिग्री एक लॉन्ग टाइम कोर्स है जो किसी संस्था, किसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा किसे कहते हैं। तो डिप्लोमा एक डिग्री की अपेक्षा शॉर्ट टाइम कोर्स है जो किसी निजी संस्था या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसकी बात देखते हैं डिग्री के उदाहरण और डिप्लोमा के उदाहरण, डिग्री कैसे कहलाती है। तो डिग्री के अंतर्गत आपकी जैसे बी एस सी है, बी ए है, ये डिग्री है। वहीं डिप्लोमा में डी सी ए, पी जी डी सी ए, डीएलएड, ये आपकी डिप्लोमा है। अब बात करते हैं इनके में फीस पर। तो अधिकांश जो डिग्री होती है उनकी फीस अधिक होती है डिप्लोमा के अपेक्षा, और डिप्लोमा की फीस अधिकांशतः डिग्री से कम होती है। अब हम बात करते हैं कि डिग्री किस क्लास के बाद मिलती है। तो डिग्री जो हम कर सकते हैं वह अधिकांश जो डिग्री है वह क्लास ट्वेल्थ के बाद होती है, क्लास ट्वेल्थ मिनिमम है इनकी। वहीं जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए जो मिनिमम होता है क्लास आठवीं होता है। बिल्डिंग से बिल्डर से, आईटीआई से संबंधित बिल्डर होता है उसका डिप्लोमा मिनिमम 8 साल से मिल जाता है अधिकांशतः, लेकिन डिप्लोमा जो होते हैं 10 या 12 के बाद ही मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री व डिप्लोमा के प्रकार। तो डिग्री व डिप्लोमा 3 प्रकार के होते हैं, बैचलर, मास्टर। डिग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट। वहाँ जो डिप्लोमा होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा व सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। फिर इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर आएंगे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तीनों में तुलनात्मक अध्ययन। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।